नमस्कार साथियों, क्या हालचाल। मैं अरुण कुमार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। आज हम हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण जीवनियाँ पढ़ेंगे साथियों। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि पिछली वीडियो में हमने आत्मकथाएँ आपके साथ साझा करी थी, जितनी भी इंपॉर्टेंट आत्मकथाएँ हैं हिंदी साहित्य में। इसके अतिरिक्त हमने वीडियोज़ के MCQs भी बनाए हुए हैं साथियों, और वो भी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो MCQs भी देख सकते हैं, वो वीडियो हमने काफ़ी पहले बना के रखे हुए हैं। तो जीवनियाँ जितनी भी इंपॉर्टेंट हिंदी साहित्य में वो आपके साथ साझा करने वाले हैं साथियों। एक और बात कि पिछली वीडियो में हमने आत्मकथाएँ आपके साथ साझा करी थी, तो एक आत्मकथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी वो हम आपके सामने जिक्र करना उसका रह गए। तो आपको बता देते हैं कि उपेंद्र नाथ अशोक जो आपके पाठ्यक्रम में हिंदी मास्टर कैडर के पाठ्यक्रम में नाटककार के रूप में लगे हैं, तो उपेंद्र नाथ अशोक जी की आत्मकथा है चेहरे अनेक, जो कि 5 खंडों में विभाजित है और सन 1977 से लेकर 1988 के बीच उन्होंने ये लिखी थी, ठीक है। तो ये भी आप लिख लीजिएगा। चलिए अब हम जीवनियों के बारे में बात करते हैं, जितनी भी हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण जीवनियां हैं। तो सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे संतों महात्माओं के ऊपर जो जीवनियाँ लिखी गई हैं हिंदी लेखकों के द्वारा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर मैं बात करूँ कि किस संत पर सबसे ज़्यादा जीवनी लिखी गई है, तो स्वामी दयानंद जी के ऊपर सबसे अधिक जीवनियाँ लिखी गई हैं हिंदी में संतों महात्माओं की दृष्टिकोण से। तो गोपाल शर्मा शास्त्री हुए हैं एक लेखक, उन्होंने दयानंद दिग्विजय नाम से 1881 ईस्वी में जीवनी लिखी थी, ठीक है, दयानंद के ऊपर। और चिमनलाल वैश्य, उन्होंने स्वामी दयानंद नाम से जीवनी लिखी, प्रकाशन वर्ष उपलब्ध नहीं है। स्वामी सत्यानंद जी ने दयानंद प्रकाश नाम से 1919 ईस्वी में जीवनी लिखी थी। तो ये कुछ उल्लेखनीय जीवनियाँ जो कि पूछी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे संतों के ऊपर भी जीवनियाँ लिखी गई, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी सरदानंद, स्वामी विशुद्धानंद। तो ये याद करने की आवश्यकता नहीं, इनके नाम मैं ऐसे बोल दिया, लेकिन इनके ऊपर भी बहुत सारी जीवनियाँ लिखी गई हैं। तो हम बात करेंगे हिंदी साहित्य में तो किस प्रकार की जीवनी लिखी गई। तो साथियों राजनीति पुरुष, जिसे भारतीय राजनीति के कर्णधार भी जिसे कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के ऊपर भी बहुत सारी जीवनियाँ लिखी गई। और मैं वही सभी महत्वपूर्ण जीवनी जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से पूछी जा सकती हैं वो आपके सामने रखने वाला हूँ साथियों। सबसे पहले हम बात करेंगे लक्ष्मण प्रसाद भरद्वाज, ठीक है। लक्ष्मण प्रसाद भरद्वाज जी ने महात्मा गांधी नाम से एक पुस्तक लिखी, जो कि जीवनी है महात्मा गांधी की, 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आगे साथी जो नाम आ रहा है घनश्याम दास बिरला, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बापू नाम से इन्होंने जीवनी लिखी 1940 ईस्वी में महात्मा गांधी के ऊपर। आगे है साथी ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल, इन्होंने भी महात्मा गांधी नाम से जीवनी लिखी 1940 ईस्वी में, ठीक है साथियों। सुशीला नायर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बापू के कारावास की कहानी 1949 ईस्वी में इस नाम से जीवनी लिखी थी। किस नाम से? बापू के कारावास की कहानी, ठीक है, 1949 ईस्वी में। आगे साथियों जैनेन्द्र कुमार का नाम तो आपको याद ही होगा, और हिंदी मास्टर कैडर में कहानीकार के रूप में लगे हैं। तो इन्होंने जो जीवनी लिखी साथियों वो है अकाल पुरुष गांधी, 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये तो आप रट लीजिए, सुशीला नायर की हो, जैनेन्द्र कुमार की हो। जैनेन्द्र कुमार ने जो जीवनी लिखी महात्मा गांधी के ऊपर, उसका नाम है अकाल पुरुष गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुशीला नायर की भी आपने अच्छे से याद कर लेनी है। इसके अलावा घनश्याम दास बिरला ने एक और जीवनी लिखी जो कि महात्मा गांधी के ऊपर ही थी, तो इस जीवनी का नाम था मेरे जीवन में गांधी जी, जो कि प्रकाशित हुई 1975 ईस्वी में। साथियों याद कर लीजिएगा इसे भी, ठीक है। आगे बस इतना ही आप महात्मा गांधी के पक्ष में जाने कि जितनी जीवनी इनके ऊपर लिखी गई, और इसी से पूछा जाएगा प्रश्न कि महात्मा गांधी पर किन किन लोगों ने जीवनी लिखी हैं। तो जितनी इंपॉर्टेंट थी मैंने आपके सामने रख दी साथियों, ठीक है। तो अभी आपको बता देते हैं कि कुछ और जीवनियां, जैसे मम्मनाथ गुप्त हिंदी में हुए हैं एक लेखक, इन्होंने गुरु नानक नाम से एक पुस्तक लिखी जो कि जीवनी थी गुरु नानक देव जी की। तो गुरु नानक देव जी की प्रकाश उत्सव आ रहा है, ठीक है जी, तो 30 नवंबर को प्रकाश उत्सव है, तो आप सभी को बधाई। तो गुरु नानक देव जी के ऊपर ये जो जीवनी है मम्मनाथ गुप्त ने लिखी है, ठीक है, 1938 ईस्वी में आई थी। आगे साथियों बलदेव उपाध्याय ने श्री शंकराचार्य, शंकराचार्य जानते हैं ना, जो अद्वैतवाद के प्रस्तोता थे दक्षिण में, ठीक है,
शैव धर्म के अनुयायी बलदेव उपाध्याय ने श्री शंकराचार्य नाम से जीवनी लिखी, जो कि शंकराचार्य की जीवनी है, 1950 ईस्वी में आई थी। आगे साथियों, हंस राज रहबर हिंदी के बहुत अच्छे लेखक हैं। इन्होंने योद्धा सन्यासी विवेकानंद, ठीक है, योद्धा बनियासी विवेकानंद नाम से जीवनी लिखी थी। इसका प्रकाशन वर्ष उपलब्ध नहीं है, ठीक है। आगे साथियों, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जे तो विजेता हैं, एक उपन्यास नीला चांद उपन्यास के विजेता हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह नीला चांद उपन्यास जो इन्होंने लिखा है उसके ऊपर इनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो लिख लीजिए इसको भी। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह इन्होंने जो जीवनी लिखी उसका नाम है उत्तर योगी श्री अरविंद, 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उत्तर योगी श्री अरविंद। साथियों याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है, उत्तर योगी श्री अरविंद नाम से इन्होंने जीवनी लिखी। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने प्रश्न बनता है क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है जी। आगे साथियों, डॉक्टर रघुवंश ये भी अच्छा नाम है, हिंदी साहित्य में आलोचक माने जाते हैं। इन्होंने मानव पुत्र ईसा जीवन और दर्शन नाम से जीवनी लिखी जो कि ईसा मसीह पर थी, 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। साथियों जे तो रही कुछ महत्वपूर्ण जीवनियां, और भी बहुत सारी जीवनियां आपके सामने हम रखने वाले हैं साथियों, और भी बहुत सारी जीवनियां आई हैं हिंदी साहित्य में। राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने भी जय प्रकाश नारायण के ऊपर जीवनी लिखी। आपको तो पता ही है कि जय प्रकाश नारायण जो कि भारतीय आपातकाल जो कि सन 1925 ईस्वी में लगाया गया था कांग्रेस की सरकार के द्वारा, उस वक्त के दौर में इन्होंने बहुमूल्य योगदान दिया था भारतीय राजनीति में, जयप्रकाश नारायण ने। तो राम वृक्ष बेनीपुरी आपको निबंध के कार के रूप में लगे हुए हिंदी मास्टर कैडर में, तो इनको पढ़ना भी लाजमी है। जयप्रकाश नारायण नाम से इन्होंने जीवनी लिखी, 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आगे साथियों बात कर लेते हैं हम गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये भी एक अच्छे आलोचक माने जाते हैं, ठीक है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा इन्होंने कर्नल जेम्स टोड नाम से जीवनी लिखी थी 1902 ईस्वी में। आगे चलते हैं साथियों, राहुल सांकृत्यान बहुत अच्छा नाम है और यात्रा वृत्तांत के पितामह माने जाते हैं, अच्छे आलोचक और अच्छे कहानीकार और उपन्यासकार भी माने जाते हैं, लेकिन इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी साथियों जीवनियाँ भी लिखी हैं, ठीक है। राहुल सांकृत्यान ने जो जीवनी लिखी हैं वो इस प्रकार से है, बुद्ध, स्टालिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओत्सेतुंग, ठीक है, और जो जीवनी उनकी 1954 ईस्वी के आसपास मानी जाती है, ठीक है साथियों। तो साथियों आगे चलते हैं हम, आगे की जीवनियां भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य में, जो पूछी जाती हैं और अक्सर पूछी गई हैं हिंदी साहित्य से संबंधित प्रत्येक परीक्षा में। तो बाबू राधा कृष्ण दास ने जो जीवनी लिखी वो है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र नाम से, 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण जीवनी है साथियों। और भारतेंदु जी के राधा कृष्ण दास जो हैं वो दूर के रिश्तेदार हैं और भाई लगते हैं रिश्ते में, ठीक है। आगे साथियों जो जीवनी लिखी है वो लिखी है बाबू शिवनंदन सहाय ने हरिश्चंद्र नाम से, हरिश्चंद्र नाम से जीवनी लिखी 1905 ईस्वी में, बाबू हरिश्चंद्र भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के ऊपर, ठीक है। और आगे साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि हिंदी साहित्य के सबसे अच्छे आलोचकों में से एक, समीक्षक में से एक और निबंधकार भी माने जाते हैं अच्छे, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाबू राधा कृष्ण दास नाम से जय जीवनी लिखी है, 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई, ठीक है साथियों। आगे है श्री ब्रज रतन दास द्वारा लिखित भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से, 1948 ईस्वी में जीवनी लिखी गई थी। आगे साथियों श्री ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ नाम से किसी एक लेखक ने माखनलाल चतुर्वेदी की एक जीवनी लिखी है, माखनलाल चतुर्वेदी जो कि साथी भारतीय साहित्य की आत्मा भी माने जाते हैं, बहुत अच्छा नाम है, और हिंदी साहित्य अकादमी के प्रथम पुरस्कार के विजेता, जब पहली बार हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था तो माखनलाल चतुर्वेदी को ही मिला था, तो ये याद कर लीजिए कि इनके ऊपर श्री ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ नाम से एक लेखक ने जीवनी लिखी है माखनलाल चतुर्वेदी नाम से, ठीक है साथियों, 1960 ईस्वी में। आगे साथियों कुछ और इम्पोर्टेंट है जैसे कि शिवरानी देवी, शिवरानी देवी कौन है, शिवरानी देवी प्रेमचंद जी की पत्नी है, ठीक है। तो शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से पुस्तक लिखी जो जीवनी है और जो 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। साथियों यूजीसी नेट के सिलेबस में ये जीवनी लगी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवरानी देवी जो कि प्रेमचंद की पत्नी है, उन्होंने प्रेमचंद के ऊपर, अपने ही पति के ऊपर जीवनी लिखी है, बहुत अच्छा प्रयास किया है प्रेमचंद के जीवन को उकेरने का पन्नों के ऊपर। आगे साथियों बात करते हैं अमृत राय जो प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद के ही पुत्र हैं, कलम का सिपाही नाम से इन्होंने
जीवनी लिखी और इस पुस्तक पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए दोनों जीवनियाँ जो कि उनकी पत्नी ने लिखी, उनके पुत्र अमृत राय ने लिखी। और क्या क्या है पुस्तक का नाम, कलम का सिपाही 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये दोनों ही उत्कृष्ट कृतियाँ हैं, याद कर लीजिए साथियों। आगे साथियों बता देते हैं, एक और जीवनी लिखी गई जो कि प्रेमचंद के ऊपर ही है, श्री मदन गोपाल ने लिखी। मदन गोपाल एक अच्छे लेखक माने जाते हैं हिंदी में, और इन्होंने कलम का मजदूर नाम से जीवनी लिखी थी जो कि प्रकाशित हुई 1964 ईस्वी में। ये तीनों ही जीवनियां आपको बता देते हैं साथियों कि प्रेमचंद के जीवन पर हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। इनके जीवनीकार मतलब जिन्होंने जीवनी लिखी है, और ये भी पूछ लिया जा सकता है कि कलम का सिपाही किसके ऊपर लिखी गई है, या फिर कलम का मजदूर जो जीवनी है किसके ऊपर लिखी गई है। प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है, 1964 में कलम का मजदूर आई और 1962 में कलम का सिपाही, और प्रेमचंद घर में 1944 में। याद कर लीजिएगा साथियों, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो साथियों शिवरानी देवी ने तो प्रेमचंद को बहुत करीबी से जाना होगा, लेकिन अमृत राय और मदन गोपाल जिन्होंने कलम का सिपाही और कलम का मजदूर नाम से जीवनी लिखी, इन्होंने भी काफ़ी अच्छी तरह से उकेरा है पन्नों के ऊपर प्रेमचंद की जीवनी को। और ज़्यादातर बात की जाए तो चिट्ठी पत्री का प्रयोग किया है, ठीक है, जो चिट्ठियाँ लिखा करते थे अपने पत्रों में, पत्रिकाओं में प्रेमचंद, ठीक है, अपने साथियों को भेजा करते थे, उसी के आधार पर भी बहुत कुछ इन्होंने लिखा है, इन दोनों लेखकों ने प्रेमचंद के बारे में, ठीक है साथियों। तो ये तो बात हो गई। अभी साथियों आपको बताते हैं कि रामविलास शर्मा, ठीक है, रामविलास शर्मा ने एक आलोचनात्मक पुस्तक भी मानी जाती है, ठीक है, हालांकि जीवनी भी मानी जा सकती है, ठीक है। तो आपको बता दें कि रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना नाम से भी एक पुस्तक लिखी, इसको जीवनी भी माना जा सकता है, एक आलोचनात्मक पुस्तक भी माना जाता है, कि निराला की रचनाओं की आलोचना करती हैं, ठीक है। तो रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना नाम से 1969 ईस्वी में ये पुस्तक लिखी, और 3 खंडों में लिखी गई है, ठीक है साथियों। तो ये भी अच्छी पुस्तक मानी जाती है, ठीक है साथियों। इसके ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है रामविलास शर्मा जी को। आगे साथियों विष्णु प्रभाकर ने एक जीवनी लिखी है, अवारा मसीहा, जो कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर लिखी गई है। बांग्ला उपन्यासकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, और ये वही शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं जिन्होंने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा था। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों है, किन्होंने कहा था, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जिसके ऊपर जीवनी लिखी विष्णु प्रभाकर ने। और विष्णु प्रभाकर के ऊपर भी हमने नाटककार के ऊपर, जो नाटककार हैं विष्णु प्रभाकर लघु हिंदी मास्टर कैडर में, इनके ऊपर हमने वीडियोस बनाई हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों, पूरा जीवन उनका, और इसके साथ ही उनके कृतित्व, उनकी रचनाओं की जानकारी भी हमने वीडियोज़ में दी हुई है, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है साथियों। तो कुछ महत्वपूर्ण जीवनियाँ और रह गई, वो भी आपके साथ साझा कर लेते हैं। तो साथियों कुछ और जीवनियाँ भी हैं, जैसे कि श्री विष्णु चंद्र शर्मा इन्होंने जीवनी लिखी मुक्ति बोध की आत्मकथा, प्रकाशित हुई थी 1984 ईस्वी में। बहुत महत्वपूर्ण जीवनी है, और इस बार जो यूजीसी नेट नवंबर 2020 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये जीवनी पूछी भी गई थी कि किसके द्वारा लिखित हैं, तो ये उत्तर आएगा साथियों श्री विष्णु चंद्र शर्मा। 1984 ईस्वी में इन्होंने जो जीवनी लिखी थी मुक्ति बोध की आत्मकथा, ये आत्मकथा नहीं है, जो जीवनी है जो कि लिखी है श्री विष्णु चंद्र शर्मा जी के द्वारा। एक और जीवनी साथियों निराला की आत्मकथा, ये भी एक जीवनी है, और जो कि लिखा जिसको लिखा है सूर्य प्रसाद दीक्षित जी ने, ठीक है, इन्होंने लिखा सूर्य प्रसाद दीक्षित जी ने ये जीवनी लिखी है निराला की आत्मकथा, और 1970 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। दोनों ही इम्पोर्टेंट है साथियों, लिख लीजिएगा। तो साथियों कुछ और महत्वपूर्ण जीवनियाँ जो कि हिंदी साहित्य में अभी शेष बच गई हैं, वो भी आपके सामने हम रखने वाले हैं। तो विष्णु प्रभाकर की तो आपने लिखी ली होगी अवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर की अवारा मसीहा जो जीवनी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर लिखी गई है, ठीक है, 1974 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो ये भी आपने लिख लेना है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर लिखी गई जीवनी है। इसके आगे साथियों बता देते हैं श्री शिव सागर मिश्र इन्होंने जो जीवनी लिखी वो दिनकर के ऊपर लिखी है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है जी। तो इनकी जीवनी का नाम है रामधारी सिंह दिनकर के ऊपर जो लिखी गई है, एक सहज पुरुष, ठीक है, क्या है, एक दिनकर एक सहज पुरुष, ठीक है, दिनकर एक सहज पुरुष, जो कि प्रकाशित हुआ 1981 ईस्वी में, ठीक है।
आगे साथियों, श्री शोभा कांत जी ने भी एक जीवनी लिखी जो कि नागार्जुन के ऊपर थी। तो जीवनी का नाम है बाबूजी, ठीक है, क्या है बाबूजी, इसका प्रकाशन वर्ष उपलब्ध नहीं है। साथियों विष्णु चंद्र शर्मा जिन्होंने मुक्ति बोध की आत्मकथा लिखी जीवनी, ठीक है, इस नाम से। और विष्णु चंद्र शर्मा ने एक और आपको बता दूँ कि जीवनी लिखी जिसको जिसका नाम था अग्नि सेतु, अग्नि सेतु जीवनी लिखी 1976 ईस्वी में, ठीक है। तो इसमें किसका जीवन अंकित किया गया है, इसमें नजरुल इस्लाम के विद्रोही व्यक्तित्व का अच्छा अंकन किया गया है, ठीक है। नजरुल इस्लाम एक इस्लाम धर्म के अनुयायी हुए हैं, उनका व्यक्तित्व का उनके व्यक्तित्व का इसमें वर्णन है। श्री जगदीश चंद्र माथुर जो कि एक अच्छे नाटककार हैं, नाटककार के रूप में हिंदी मास्टर कैडर में लगे हैं। साथ ही उन्होंने जो जीवनी लिखी उसका नाम है जिन्होंने जीना जाना, 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी जिन्होंने जीना जाना, ठीक है। तो आपको बता दूं कि इसमें 7 साहित्यकार, 2 राजनेता, 1 विचारक, 1 कलाकार और 1 अभिनेत्री का चरित्र प्रस्तुत किया है, ठीक है। साथ ही इतना ही जानकारी बहुत है। तो जिन्होंने जीना जाना नाम से प्रकाशित हुई थी 1971 ईस्वी में, जगदीश चंद्र माथुर ने जी जीवनी लिखी थी। आगे साथियों हम बात करें शमशेर बहादुर सिंह के ऊपर एक जीवनी लिखी गई है। शमशेर बहादुर सिंह वही हैं जो कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं एक काव्य के लिए, ठीक है। तो डॉक्टर तेज बहादुर चौधरी, ठीक है, तो डॉक्टर तेज बहादुर चौधरी शमशेर बहादुर सिंह के छोटे भाई हैं। डॉक्टर तेज बहादुर चौधरी जी ने अपने भाई शमशेर बहादुर सिंह के ऊपर, ठीक है, जीवनी लिखी। जीवनी का नाम है मेरे बड़े भाई शमशेर जी, 1975 माफ़ करेगा 1995 ईस्वी में जीवनी प्रकाशित हुई थी, ठीक है साथियों, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे साथियों कमला सांकृत्यान, ठीक है, कमला सांकृत्यान द्वारा लिखित एक जीवनी है जिसका नाम है महामानव पंडित, ठीक है, महामानव महापंडित, ठीक है। राहुल सांकृत्यान के ऊपर जीवनी लिखी है कमला सांकृत्यान ने जिसका नाम है महामानव महापंडित, प्रकाशित हुई थी ये 1995 ईस्वी में, ठीक है साथियों। और आपको बता दूं कि विष्णु चंद्र शर्मा ने अगर मुक्ति बोध के ऊपर जीवनी लिखी, फिर आगे नजरुल इस्लाम के ऊपर जीवनी लिखी, तो इन्होंने मुक्ति बोध के और नजरुल इस्लाम के अलावा राहुल सांकृत्यान ने के ऊपर भी जीवनी लिखी है। विष्णु चंद्र शर्मा ने 3 जीवनी लिखी हैं, तो उनकी तीसरी जीवनी जो है राहुल सांकृत्यान के जीवन के ऊपर है। तो जीवनी का नाम है समय साम्यवादी, ठीक है, साम्यवाद से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे राहुल सांकृत्यान, तो समय साम्यवादी 1997 ईस्वी में जो जीवनी प्रकाशित हुई, ठीक है साथियों। आगे हम बात करें तो और भी बहुत सारे साहित्यकार हैं जिनके ऊपर जीवनियाँ लिखी गई हैं, ठीक है, थीके? तो जिसमें से डॉक्टर विजय बहादुर सिंह एक लेखक हुए हैं, उन्होंने ब्योमकेश दरवेश नाम से जीवनी लिखी है, ठीक है, ब्योमकेश दरवेश नाम से 2011 ईस्वी में जीवनी प्रकाशित हुई है। काफ़ी इंपोर्टेंट है साथी, पूछी गई है काफ़ी बार परीक्षाओं में, ठीक है। आगे साथी वो अंतिम जो जीवनी का हम नाम लेंगे इस वीडियो के अंत में, तो वो है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जिन्होंने जीवनी लिखी मंटो जिंदा है, क्या है मंटो जिंदा है, 2012 ईस्वी में जीवनी प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो ये तो रही आज की कुछ वीडियो, ठीक है, जिसमें बहुत अच्छी प्रकार से हमने समझाया है जीवनियों के बारे में कि कितनी जीवनियां हैं, किन किन लोगों के ऊपर लिखी गई हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में रेखा चित्र संस्मरण यात्रा वृत्तांत और डायरी विदा को लेकर जब आएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे MCQs भी हमने बनाए हुए हैं, ठीक है, वो वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो। धन्यवाद।